किसान भाइयों, जैसे जैसे नई आवक मंडियों में बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे किसान भाइयों को दाम भी देखने को कम मिल रहे हैं। तो आज जानेंगे किसान भाइयों कि आलू के भाव में जो है हमारे किसान भाइयों की मारामारी हो रही है, व्यापारी हैं जो अच्छे दाम नहीं लगा रहे हैं हमारे किसान भाइयों को। तो मैं इसके विस्तार में स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके आलू में किसान साथियों। आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की तमाम मंडियों में आलू का भाव क्या रहा, तो वीडियो पूरा देखें किसान भाइयों, तभी आपको पूरी जानकारी मैं बता पाऊंगा। सबसे पहले बात कर लें किसान भाइयों फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में किसान भाइयों जो मीडियम क्वालिटी का आलू रहा, आज बिका 620 रुपये से लगाकर 641 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। अब इसके साथ साथ अगर अच्छी क्वालिटी का आलू किसान भाइयों है आपका, तो फर्रुखाबाद की मंडियों में किसान भाइयों 700 रुपये से लगाकर 710 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री यहाँ पे रही। अब इसके साथ साथ किसान भाइयों कानपुर मंडी की मैं बात करूँ, तो कानपुर की मंडियों में किसान भाइयों सफ़ेद आलू की बिक्री किसान भाइयों 250 रुपये से लगाकर 270 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बिक्री रही। कुंटल के हिसाब से बात करूं तो कानपुर की मंडी में किसान भाइयों कुंटल जो अच्छी क्वालिटी का आलू है, तो 680 रुपये से लगाकर 720 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आलू की बिक्री यहां कानपुर की मंडी में रही। अब बात कर लें किसान भाइयों ठठिया मंडी में, तो ठठिया मंडी में किसान भाइयों सफ़ेद आलू की बिक्री रही यहाँ पर 320 रुपये से लगाकर 325 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। कुंटल के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का आलू किसान भाइयों 705 रुपये से लगाकर 710 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आलू की बिक्री रही। वहीं किसान भाइयों कन्नौज की मंडी की मैं बात करूं, तो कन्नौज की मंडी में अच्छी क्वालिटी का आलू आज बिका किसान भाइयों 620 रुपए से लगाकर 680 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो ये था किसान भाइयों दिन भर के आज का आलू का ताजा भाव। तो आपको जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब किसान भाइयों जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, जब तक के लिए।